मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को महागठबंधन विधायक दल का नेता चुना जाएगा। हेमंत सोरेन के लिए आज मुख्यमंत्री आवास में महागठबंधन के विधायकों की बैठक बुलाई गई है। आज शाम बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जनता ने हेमंत सोरेन सरकार पर भरोसा जताया है। हेमंत सरकार की झारखंड मुक्ति मोर्चा को 34 तो कांग्रेस को 16 सीटों पर जीत मिली है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीटों पर जीत मिली है, जबकि भाकपा माले को 2 सीटें मिली हैं। वहीं बीजेपी के खाते में 20 सीटें आई हैं। जब ऐसे में अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा करेंगे। आज देर शाम वह राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। आज हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई है। महागठबंधन के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक होगी और हेमंत सोरेन विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। इसके बाद वह राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। कांग्रेस विधायकों के साथ भी उनकी बैठक होने वाली है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि देर शाम आज 4 बजे कांग्रेस उम्मीदवारों की भी बैठक होने वाली है। ऐसी स्थिति में विधानसभा चुनाव की तुलना में पिछली विधानसभा के चुनाव की तुलना में इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा को ज़्यादा सीटें हासिल हुई हैं। पिछले चुनाव में हेमंत सोरेन की पार्टी को 30 सीटें आई थी, जबकि इस बार हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को 34 सीटें मिली है। वहीं कांग्रेस ने दोनों बार ही 16 सीटों पर जीत कायम की है। पिछले चुनाव की तुलना में बीजेपी को इस बार 5 सीटें कम मिली हैं। 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 25 तो इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 20 सीटों पर जीत हासिल की है। यह सब तब हुआ जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेता चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन का साथ छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद से माना जाने लगा कि चंपई सोरेन की मौजूदगी का फायदा बीजेपी को मिलने वाला है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। चंपई सोरेन ने केवल अपनी सीट ही जीत पाई हैं और ऐसी स्थिति में कोल्हान से आदिवासी जीत नहीं पाए हैं बीजेपी के खाते में, जैसी पार्टी को उम्मीद थी। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार और मुस्तैदी से चलाने वाली सरकार का नेतृत्व करेंगे। मुखर संवाद के लिए रांची से ब्यूरो रिपोर्ट। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।